वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शंस हम उस फंक्शंस को कहते हैं जिसमें बेस क्लास और ड्राइव क्लास में दोनों फंक्शंस का नाम सिमिलर होता है, और बेस क्लास में हम लोग फंक्शंस डिक्लेयर करने के पहले वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उस फंक्शंस को हम लोग वर्चुअल फंक्शंस के नाम से जानते हैं। वर्चुअल फंक्शंस जब हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू कॉल करते हैं तो वर्चुअल फंक्शंस कॉल नहीं होता। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो वो फंक्शंस कॉल नहीं होता है, उस फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। बेस क्लास हम लोग ने बनाया, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पब्लिक एज अ कीवर्ड। अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं void, एक मेथड बना रहे हैं void disk। अब इसके अंदर मैसेज हम लोग लिखते हैं cout this message from base class disk function। एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं वर्चुअल void show, यानी अब फंक्शंस का नेचर क्या हो गया? वर्चुअल हो गया। अब ये क्या होगा? एक्सेस नहीं होगा, काल्पनिक हो गया, एज्यूम करेंगे हम लोग cout this message from base क्लास शो फंक्शंस। अब यहां पर हम लोग एक ड्राइव क्लास बनाते हैं क्लास ड्राइव, इनहेरिट किसको कर रहा है? ये पब्लिक बेस को। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं void disk cout this message from drive class disk function। अब यहां पर लिखते हैं हम लोग void show out this message from drive class so functions। अब यहां पर बना दिया हम लोग। अब चलो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग यहां पर। अब हम लोग यहां पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी, और यहां पर हम लोग ड्राइव क्लास का बनाते हैं टी। अब बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पॉइंटर टाइप, यानी पॉइंटर अब क्या होल्ड करेगा? यानी पॉइंटर पी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। तो अब यहां पर लिखे हम लोग cout, हम लोग लिख सकते हैं यहां पर पॉइंटर बेस क्लास, पॉइंटर बेस क्लास, पॉइंटर के थ्रू हम लोग यूज करते हैं पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, और यहां पर लिखते हैं हम लोग पी इक्वल स्पेशल ऑपरेटर डिस फंक्शंस को कॉल किया हम लोग ने यहां पर, और पी स्पेशल ऑपरेटर हम लोग यहां पर शो फंक्शंस को कॉल कर लिया। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं सी आउट पॉइंटर
पॉइंटर ड्राइव क्लास, क्लास अब यहां पर हम लोग देख रहे p इक्वल टू एड्रेस ऑफ d, एड्रेस ऑफ d। अब p यहां पर हम लोग देखते हैं डिस फंक्शंस को कॉल करते ही ड्राइव क्लास वाला, और p स्पेशल ऑपरेटर यहां पर हम लोग देखते हैं शो हम लोग यहां पर यूज करते हैं। अब चलो यहां पर देखते हैं हम लोग, अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो यहां पर पॉइंटर बेस क्लास, दिस मैसेज फ्रॉम द बेस क्लास ड्राइव फंक्शन दिस फंक्शन, दिस मैसेज फ्रॉम द बेस क्लास शो फंक्शन, पॉइंटर ड्राइव क्लास, दिस मैसेज फ्रॉम द बेस क्लास डिस फंक्शन, और दिस मैसेज फ्रॉम द ड्राइव क्लास शो फंक्शन। तो अब यहां पर देखो, मैसेज यहां पर बेस क्लास नहीं आया, यहां पर क्या आया, ड्राइव क्लास आया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बेस फंक्शन शो फंक्शन है, ये क्या है, ये वर्चुअल है यानी काल्पनिक है। तो यहां पर हम लोग ने देखा कि वर्चुअल फंक्शन अगर फंक्शन के आगे हम लोग अगर लगा देते हैं तो ये कॉल नहीं होता है, यानी तब क्या करता है, शो फंक्शन को कॉल कर लेता है। अब चलो यहां पर हमने वर्चुअल कीवर्ड को हटा दिया, अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं तो क्या आता है कि दिस मैसेज फ्रॉम द बेस क्लास डिस फंक्शन, दिस मैसेज फ्रॉम द बेस क्लास शो फंक्शन, दिस मैसेज फ्रॉम द बेस क्लास डिस फंक्शन, और दिस मैसेज फ्रॉम अगेन दिस क्लास इज अ बेस क्लास शो फंक्शन। तो देखो अब यहां पर ड्राइव क्लास नहीं कॉल हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब ये वर्चुअल नहीं है। तो वर्चुअल जब नहीं है तो किसको कॉल करेगा, पेरेंट क्लास को कॉल करेगा। तो हम लोग ने यहां पर देखा कि वर्चुअल कीवर्ड का यूज करके हम लोग कैसे यहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं और उसके थ्रू हम लोग यहां पर आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। तो दिस इज द रोल ऑफ द वर्चुअल कीवर्ड का, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल फंक्शन।